नमस्कार। पाकिस्तान देश भी अजब का कॉमेडी शो है। एक खबर जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसे सुनकर आप हंसेंगे और बहुत हंसेंगे। सच ये कि हमने आपको एक खबर दी थी 26 फरवरी को कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इंडिया का फ्लैग लेकर अपनी सिक्योरिटी के लिए फ्लैग अपनी गाड़ी के आगे लगाकर यूक्रेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये खबर अभी पिछले एक दो दिन में ही रेस्ट ऑफ मीडिया में आई। हमने आपको सबसे पहले एक खबर दी थी, उसमें ही आगे अब फर्दर एडवांस्ड खबर ये है कि पाकिस्तान ने अपनी जितने भी मिशन अब्रॉड हैं उनसे बोला कि कुछ कुछ अपने फंड्स निकालो, यूक्रेन से स्टूडेंट्स हमें बाहर निकालने, फंड्स निकाल के हमें गवर्नमेंट को दे दो ताकि हम स्टूडेंट्स वहां से बाहर ले आए, हमें एयरक्राफ्ट भेजना है, बच्चों के ठहरने का कुछ अरेंजमेंट कराना है। ये सब अल्जीरिया में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसने एक ट्वीट किया, ट्वीट ये किया कि भाई एम्बेसीज ऑर्डर टू डाइवर्ट फंड्स, मतलब उनका हिंदी में लबोलुबाब, मैं अभी अंग्रेजी में बताऊंगा, हिंदी में लबोलुबाब ये था कि आप हमें फंड्स देने के लिए बोल रहे हो, हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, जब हमारे बच्चे इंडिया का फ्लैग लगा के यूक्रेन से निकल रहे हैं तो पैसे भी इंडिया से ही ले लो। ये अल्जीरिया की एम्बेसी ने ट्वीट किया। एग्जैक्ट वर्ड्स जो ट्वीट के थे मैं आपको ये दिखा भी रहा हूं, ये था एम्बेसीज ऑर्डर टू डाइवर्ट फंड्स टू यूक्रेन फॉर इवैक्यूएटिंग पाकिस्तानी नेशनल्स, शुड वी ऑल्सो स्टार्ट आस्किंग फंड्स फ्रॉम इंडिया एज पाकिस्तान नेशनल्स आर यूजिंग इंडियन फ्लैग्स टू फ्ली फ्रॉम यूक्रेन। अब ये जो चीज, अगर आपको ये चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। और इस खबर पे ये जो चीज है ये पहली बार नहीं हुई, पहले भी पाकिस्तानी एम्बेसीज ने सोशल मीडिया पे जाके पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ लिखा है और बाद में बोल दिया गया कि वो उनका मीडिया उनका जो सोशल मीडिया था ट्विटर या इंस्टाग्राम ये हैक हो गए। इससे पहले भी हुआ और इस बार भी पाकिस्तान ने यही बोला कि उनका ट्विटर हैंडल हैक हो गया था इसलिए डाल दिया गया, उसको डिलीट कर दिया गया। असलियत ये कि फ़ोन गया होगा, ये क्या लिख रहे हो, हमारी बेइज्जती कर रहे हो, तो डिलीट करवा दिया होगा, कोई हैक नहीं हुआ। एम्बेसीज इसी एम्बेसी ने लिखा कि भाई अल्जीरिया ये लिखा कि एम्बेसीज ऑर्डर टू डाइवर्ट फंड्स फ्रॉम यूक्रेन, ये हम लोगों के पास अपनी सैलरी के लिए अपने खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, कहाँ से दें। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि भाई नेशनल्स को अभी तक एक भी पाकिस्तानी नेशनल को इवैक्यूएट नहीं किया गया है, अगर इवैक्यूएट नहीं किया गया है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर क्या रही है। और दूसरी चीज़ ये भी उन्होंने एक क्लिप भी डाला, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल का एक क्लिप डाला जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि उन्हें पाकिस्तानी एम्बेसी ने एक बस में बैठाया और बोला पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, और नारे लगाने का वीडियो उन्होंने लिया और उसके बाद बोला उतरो, सबको उतार दिया और वो सारे के सारे बच्चे पैदल चल के पोलैंड के बॉर्डर तक पहुंचे। ये पाकिस्तानी एक न्यूज़ चैनल का वीडियो पाकिस्तान की एम्बेसी अल्जीरिया में उसने ट्वीट किया। ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया कि मैंने अपनी खबर में 26 तारीख को, वो इसी चैनल में आपको मिलेगी, उसमें ये बताया था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने भारत माता की जय बोला था क्योंकि उनकी जान बच रही थी। नहीं यार, पाकिस्तान जिंदाबाद से तो जान नहीं बचती है, पाकिस्तान का झंडा तो जान नहीं बचा पा रहा था, तो जो उसकी जान बचा रहा है उसके लिए तो सबसे ऊपर वही है। भले ही वो पाकिस्तान पहुंच के पलट जाए और बोले कि हमने तो पाकिस्तान फ्लैग यूज़ किया, वो ये भी बोल सकते हैं हमने तो मार्स का फ्लैग यूज़ किया। फैक्ट क्या रहेगा, फैक्ट यही रहेगा ना कि वो उस समय भारत माता की जय बोल करके और इंडिया का फ्लैग यूज़ करके आए। कोई इमरान खान को, इमरान खान जा करके वहाँ पर चाय वाय पी के आए, 3 घंटे मीटिंग करके आए, कुछ तो हुआ नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक फ़ोन कॉल पर ये गेम खेल दिया। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी एक फोन कॉल पे कर सकते थे, इमरान खान वहां खड़े थे, पुतिन के साथ गले मिल रहे थे, वो ये काम करा सकते थे क्यों? ये तो गेहूं खरीदने गए थे ना, इनके लिए गेहूं खरीदना, भाई पूरी कंट्री भूखा मर जाए, उससे अच्छा 600 स्टूडेंट मरे क्या फर्क पड़ता, 2,500 लोग मर जाए क्या फर्क पड़ता है। आप जहां तक बात ग्राउंड रियालिटी बताई इस वीडियो क्लिप में, और ये भी बोला कि भाई प्रो पाकिस्तानी नारे लगा के बच्चों को आपने उतार तो दिया, वो पैदल गए, फिर आपने क्या किया, फिर उसके बाद बच्चों को कोई हेल्प नहीं की। उस वीडियो क्लिप में बच्चे खुद बोल रहे हैं हमारी कोई हेल्प नहीं की। इनफैक्ट मैंने भी ये वीडियो क्लिप्स लगाए हैं और बच्चे खुद बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी एम्बेसी हमें कोई हेल्प नहीं कर रही, पाकिस्तानी एम्बेसी सर फोन तक नहीं उठा रही। और ऐसे वीडियोज कुछ इंडिया के भी आए हैं, कुछ वीडियोज तो फेक पकड़े गए, कुछ वीडियोज जो बच्चों ने दिए थे कि हम यहां फंसे हैं
अब उन्हीं बच्चों के वीडियोस आ गए हैं कि हम सेफली इंडिया लैंड कर गए हैं और थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरा नाम सुषम है, मैं हरियाणा से हूँ, मैं यूक्रेन में पढ़ती हूँ थर्ड ईयर में बुक ऑफ इंडियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और जैसे ही हमें पता चल रहा की पे अटैक हो गया है, नेक्स्ट डे ही हमें पहली मतलब सुबह सुबह ही इवैक्यूएट कर लिया गया थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में, रोमानिया में, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, जिस यूनिवर्सिटी जिसके थ्रू हम आए हैं एमडी हाउस, उनके कंसल्टेंट का थैंक यू सो मच। हंगरी में जो इनको द वेलकम दे गॉड दो सी अरेंजमेंट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली आल्सो टू मेक दिल्ली बिकॉज़ ही वाज एम्बेसडर एट केसर पाल। माय नेम इज रजविंदर कौर एंड me and my team, we are 10 members right now, 2 are coming, and we are very grateful for International Seva because they have been assisting us 24/7, they did not sleep and gave us the ways and everything. We are very thankful for them, and thank you International Seva. Jai Hind, Jai Bharat. Aisa koi video Pakistan ki taraf se aaya ho कि हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट की, हेल्प की और हमें वापस लिया है, उनके सिर्फ डिस्ट्रेस मैसेज वाले वीडियो आ रहे हैं। हमारे पास थैंक्स वाले आ रहे हैं, डिस्ट्रेस मैसेज वाला जो वीडियो है उसी के साथ अब थैंक्स वाला भी लगा आ रहा है। अकेले डिस्ट्रेस मैसेज वाले वीडियोस बहुत कम दिख रहे हैं। खैर, मैं एक एक करके वीडियोस पे बात कर सकता हूं, लेकिन किसी और दिन करेंगे इस पर भी। पाकिस्तानी एम्बेसी के जो ट्विटर हैक हुए हैं उसमें दिसंबर 2021 मतलब पिछले साल अर्जेंटीना की एम्बेसी ने बोला था, G17 की डील कैंसिल हो रही थी तो अर्जेंटीना की एम्बेसी ने बोला था, इमरान खान की फोटो लगा के इंस्टाग्राम पे बोला था कि सब्स्टिट्यूशन चाहिए हमारी लीडरशिप पे, G17 डील कैंसिल हो रही है इस आदमी की वजह से, और उसको बोला गया क्या हैक हो गया। उससे पहले दिसंबर में ही 2021 में सर्बिया बेलग्रेड सर्बिया की एम्बेसी के 3 महीने तक ड्यूज नहीं दिए गए थे, मतलब उनकी तनख्वाह नहीं दी गई थी, तो उन्होंने भी ट्वीट किया था, साथ में एक गाना ट्वीट किया था, आपको घबराना नहीं है, और उस क्या हमारी तनख्वाह नहीं मिली हमें दिलवाया जाए कुछ ऐसा उन्होंने ट्वीट किया था, उसको भी ये बोला गया कि ये हैक हो गया। अब ये तीसरी बार बोला गया हैक हो गया, सच ये है कि हैक नहीं हो रहे, असलियत सामने आ रही है, तो पाकिस्तान घबरा गया कि हम कैसे अपनी इज्जत बचाएं, कहां से बचाएं, क्या करें। इसी के साथ एक और खबर के फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।